जेठ के महीने में गर्मी शबाब पर, तप रहा है सूरज, जल रहे हैं लोग। गर्मी के मौसम का वो दौर जब सूरज सबसे ज्यादा आग उगलता है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, जिन 9 दिनों में हवा में भी आग महसूस होती है, उस नौतपा यानी नवताप का असर पूरा मुल्क झेल रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 के करीब है, तो राजस्थान की रेतीली जमीन 50 डिग्री की आग में जल रही है। जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर, झुंझुनू जैसे इलाकों में पारा लगातार 45 से 50 के बीच में बना हुआ है और इसकी वजह है वही नवताप। और इस नवताप का नतीजा यह है कि सुबह ही सूरज आग बरसाने लगता है और ये तपिश का दौर शाम तक लगातार जारी रहता है। गर्मी के सबब दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और जिन लोगों को अपने काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता है, वो अपनी बेबसी लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। हम बाहर भी जाते हैं तो साथ में कुछ वाटर बोतल और ये अम्ब्रेला ये सब लेके जाते हैं, वरना हमको दिक्कत होगी। यहाँ पे ज्यादा धूप की वजह से कोई बाहर भी मतलब निकलना भी मुश्किल है। धूप को देख के निकल नहीं रहे, 4-5 बजे बाहर निकल रहे। अभी जब काम का जरूरत काम है तो निकलना तो पड़ता है। सबसे फिक्र की बात है कि ये गर्म हालात अगले 2-3 दिन ऐसे ही जारी रहेंगे, क्योंकि नौताप के अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं, यानी पारा 45 से नीचे उतरने का कोई चांस ही नहीं है। सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 28 से 29 मई के बाद दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मुल्क के कई हिस्सों में आजकल के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई, मगर गर्म जमीन पर ये पानी की बूंदें और भी जलन पैदा कर रही हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी सूरज का सितम जारी है। गर्मी की छुट्टियों में टूरिस्ट दिल्ली घूमने आते हैं, मगर अभी हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना ही छुट्टी खराब करना है जैसा है। गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है, लोग पानी पी के बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। लोग खाने पीने का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ पानी लिक्विड यही चल रहा है बस। बहुत गर्मी है और पसीना छूट रहा है। टूरिस्ट होने के नाते मुझे इंडिया गेट देखना है, उत्साह है। गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली विभाग के मुताबिक जुमे को इलेक्ट्रिक डिमांड इस साल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई, जिसकी वजह है एसी कूलर का ज्यादा इस्तेमाल। अगर ऐसी ही गर्मी आगे भी रही तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।